फिर इंतजार फिल्म वेदे वेदे हाथ फड़ के कहे मैंने तुमसे मिलने के लिए बहुत इंतजार किया आपा ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है ऑन स्क्रीन भी आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ जब सर ने आपको प्रपोज किया था आपने झट से हाँ कर दी थी या सोचने में थोड़ा टाइम लिया था टाइम लिया टाइम लिया था आपने इतना काम किया माशाल्लाह इंडस्ट्री में तो आपको लगता है कि अब एक्टर्स की सिलेक्शन का वो क्राइटेरिया नहीं रहा जो पहले होता था किसी दौर में आपने वो तब बहुत इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा है देखिए कोई भी चीज़ जो है वो वैक्यूम में या कहीं एक जगह में स्टैटिक तो नहीं रह सकती लाइफ हैज़ टू गो ऑन थिंग्स हैव टू चेंज और uh, मैंने देखा है चेंज बहुत चेंज देखा है मगर जहाँ आप ये कहती हैं कि कैरेक्टर की सिलेक्शन में कोई फ़र्क पड़ा है या क्या नहीं आई डोंट थिंक सो हमारे जो एक्टर्स हैं मैं वाकई में उनको बहुत अप्रीशियट करती हूँ बहुत मेहनत करते हैं बहुत लगन से काम करते हैं ये तो सीना जी आप तो इतना आपने एवोल्यूशन देखी है ओवर द लास्ट फिफ्टी इयर्स के फ्रॉम द पीटीवी डेज टू नाउ सोशल मीडिया तक पहुँच गई बात और इतनी बीच में एक टेक्नोलॉजी uh, भी इवॉल्व हुई है और आपने इसलिए उसके मुताबिक एक्टर्स का एज किया मैनरिज्म और द वे इट इज़ डन सर वेन यू केम इन टू थाउजेंड सिक्स सेवन आपने जब आके और अभी भी जब आप काम करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ सबसे पहले आपको क्या डिफरेंस फील होता है फ्रॉम वे यू यूज टू सी बैक इन जर्मनी देखिए ये मेरा काम नहीं है कि मैं दूसरे एक्टर्स जो होते हैं या को एक्टर्स यहाँ हैं उनके बारे में कोई बात करूँ ये मेरा मसला नहीं है मैं जो भी काम करता हूँ इस प्रोफेशन के अंदर वो बेसिकली uh, मैं अपने लिए करता हूँ ना मैं डायरेक्टर के लिए करता हूँ और ना मैं किसी और बंदे ऑडियंस के लिए करता हूँ ये मेरा है काम मेरा है मेरे जहन में कोई ऑडियंस नहीं है अच्छा क्या मैं इस ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए काम करता हूँ किसी को पसंद है नहीं पसंद आया उसकी अपनी मर्जी है भाई क्या बात मगर सर ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जब आपने शुएब साहब के साथ काम किया होगा तो ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो शुएब साहब का एक बिल्कुल और स्टाइल से वो करते हैं काम तो ये बड़ा एक आई वुड से इंटरेस्टिंग मिक्सचर बनाओ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरा कोई इतना नहीं हुआ नहीं, वैसे ही एक देखें शोब मंसूर ने आ, मुझे कभी टोका नहीं है ठीक है मैंने बोल फिल्म की है जिस तरीके के साथ मैं उस आ, करेक्टर को करना चाह रहा था मैंने उसी तरह किया ओके शोहेब मंसूर ने मुझे टोका नहीं है ना उसने मुझे ये कहा है कि ये करो फ्लां करो फ्लां करो ये ठीक नहीं है फलां ठीक नहीं है उसने एक मर्तबा भी मुझे नहीं टोका वाह उसका अपना मामला है टोके टोके का भी तो उसकी वजह होगी ना ठीक है लेकिन आ, मैं समझता हूँ कि जो एक्टर है यहाँ पे अमूमन बात ये होती है कि वो कहते हैं कि मैंने किरदार को अपने ऊपर तारी कर लिया है ठीक है भाई तारी कर लिया बड़ी अच्छी बात है तारी कर लिया आपने तो असल में जो प्रोसेस है ये मेरी सब्जेक्टिव एक जो बात है।, है वो कर रहा हूँ आपने तारी तो कर लिया ठीक है ना आपने कहा मुझे कि मंजर साहब ये करेक्टर कर दें आपने दे दिया ना मुझे वो तो चीज़ तो मेरी हो गई ना बिल्कुल जी सर तो उस करेक्टर के साथ मेरा एटीट्यूड क्या है ये मैंने डिटर्मिन करना है या अगर डायरेक्टर के जहन में कोई चीज है तो मुझे बता दे ठीक है ना ठीक है लेकिन जब उसने कह दिया कि आप करेंगे तो मैंने तो अपने तरीके के साथ उसको देखना है उसके साथ बैठूंगा उसके साथ बातें करूंगा इंटरेक्शन होगी डायलॉग होगा अपने करेक्टर्स को समझने की कोशिश करूंगा ठीक है अपने तरीके से उसके बाद ये जो तारी करने वाली बात है ना तारी करें आप लेकिन उसके बाद जब आपने देख लिया है तारी कर लिया है तो फिर एक वक्त आता है मेरे लिहाज से कि आप उस करेक्टर को छोड़ देते हैं, उसका ताल्लुक नहीं है फिर आप हैं वहां hmm. पर क्रिएटिविटी जो है वो शुरू होती है क्या बात है उस वक्त जब आपने सारी चीज प्रोसेस और गुजर गी गी। के तो एक नुक्ते पर पहुंचे हैं आप तो वहां पे जो क्रिएटिव काम होता है वो शुरू होता है जहां पे आप हैं आपने उसको डिफाइन किया फिर आपने उसको रिक्रिएट किया ये काम ये बिल्कुल काम ये नहीं है कि वो करेक्टर में आ गए हूं जी मैं मैं तो आप शर्मा करेक्टर चाहिए और पाई करेक्टर तू आ गया छी ना तेरा कम की है हाँ। भाई अगर डायरेक्टर ने आपको कहा है कि इस कैरेक्टर को इस तरह करना है ठीक हाँ। है आपने वो कर दिया आपने रिप्रोड्यूस किया ना आपका काम क्या है का है आपने क्या किया वो तो उसने कहा ना कि इस तरह कर दो आपका काम कहा है वाह वाह बिल्कुल सर जवाब दे ना आपको सवाल करने की आदत है आप जवाब दें सर मेरा काम नहीं करते मगर सही कह रहे हैं एग्री विद यू कि क्रिएटिविटी वहां पे नजर आती है क्रिएटिविटी जो है हाँ बिल्कुल क्योंकि ये क्रिएटिव काम है ना बिल्कुल ठीक है तो क्रिएटिविटी का पता होना चाहिए ना क्रिएटिविटी है क्या कहाँ पे है बिल्कुल कहाँ पे अग्णी? शुरू होती है तो यहाँ पे तो अक्सर मैंने यही देखा है मतलब सर अच्छे जो एक्टर होते हैं ना वो माशाल्लाह आप हैं आप ही है जिस तरह अपना आप कर लेते हैं याद कर लेते हैं वासे भाई जैसे जो एक्टर होते हैं ना छे मारे रिहर्सल करके कह रहे थे मेरे को नहीं याद होना किसी और नु कर लो वेलकम बैक टू गपशप समीना जी ये बताएं बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की ये बिल्कुल और पर्सपेक्टिव है और पर्सपेक्टिव नॉट ग्लोबली मगर हमारे यहाँ पे जिस स्पीड में काम होता है आपको लगता है क्योंकि आप माशाल्लाह हम सब में से ज़्यादा आप काम कर रही हैं और करती हैं और कर चुकी हुई हैं कि ये जो बात मंदर साहब ने की इसको अप्लाई करने का टाइम होता है हमारे एक्टर्स के पास नहीं है। और ना उनको समझ ये मैं जवाब बड़े, बड़े मैंने जवाब देना, <laughs> <था। मैंने ज़वाद laughs> देना था मैंने <laughs> देना था। मैंने 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 उनको बॉल फेंकी है क्योंकि नहीं 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 जवाब

दो तीन महीने टू थिंक अबाउट इट टू वर्क ऑन इट या कुछ ऐसे हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है अभी मैंने एक ड्रामा किया कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था मगर हमारे पास टाइम नहीं था हमें मिला बिल्कुल एक दिन पहले रिकॉर्डिंग से तो उसमें आप कितनी दफ़ा पढ़ेंगे उसको कितना ज़्यादा सोचेंगे क्या करेंगे दूसरे बंदे के साथ आपकी कोई रिहर्सल नहीं हुई हुई वहाँ सेट के ऊपर जो पहला रिएक्शन हमें हो रहा है उस स्क्रिप्ट का हम वो कर रहे हैं वी नॉट के नहीं नहीं अंदर हम हम जा रहे रहे ये उसको explore नहीं कर रहे बिल्कुल, ये फैक्ट्री छे -छे वो वो कर बिल्कुल बिल्कुल लगी हुई है 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 ठीक ठीक वो वो रहा मैं फिर भी क्रेडिट दूंगी कई कुछ लोग बहुत अच्छा काम इसी के अंदर कर लेते हैं ये बात ये मैं ये नहीं कर रहा कि काम मैं, नहीं, मैं अच्छा हो रहा है इस फील्ड में काम कर रहे हैं

ये एक और डिबेट का लेवल है क्रिएटिविटी हाँ। की बात ये चीज़ जो होती है ना कि एक प्रोसेस से गुजरना बिल्कुल वो हम जब हम स्टेज के प्लेस कर रहे होते हैं ड्रामा कर रहे होते हैं उसमें से गुजरते हैं कि पहले दिन आपने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा है आपने फिर सोचा है फिर रिहर्सल में और आपने बहुत उस किरदारूचन को, उस को उसको एक्सप्लोर किया है आप डिफरेंट चीजें करके देखते हैं कि क्या चीज़ आप उसकी सच्चाई आपको क्या नजर आती है बिल्कुल